तो स्टूडेंट्स, मैं रजत भुवनेश्वर से आप सबके लिए लेके आया हूं कंप्यूटर साइंस और आईटी का अपना पहला यूट्यूब चैनल कोर्सेरा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है ये जानने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं जो हमारा क्लास 9th और 10th का जो ये कॉमन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सारे स्किल कोर्सेस के लिए, पहले उसका स्ट्रक्चर कैसा है देख लेते हैं। ये रहा उनका सिलेबस, अभी 9th का दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद 10th का भी दिखाऊंगा। आप देखिए इधर 9th का ये सिलेबस है, इसमें देखिए आप ये दो भाग में डिवाइडेड है, एक है पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि है 10 मार्क का, पार्ट बी जो है आपका सब्जेक्ट स्किल जो है 40 मार्क का। तो आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है 40+10 और 50 मार्क, तो उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट भी 50 मार्क का है, ऐसे होके आपका 100 मार्क का होगा। उसी तरह ही क्लास 10 का सिलेबस देखिए, यहाँ भी पार्ट ए पार्ट बी है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि 10 मार्क का है, पार्ट बी भी है सब्जेक्ट स्किल या वोकेशनल स्किल जो आप बोल सकते हैं वो है 40 मार्क। तो टोटल ये रिटन एग्जाम आपको बोर्ड एग्जाम में देना होगा 50 मार्क का, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपका स्कूल में होगा जो कि 50 मार्क का होगा। तो अभी बात करते हैं सिर्फ वो पार्ट ए की। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे उस पार्ट ए की जो कि है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। क्या है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको सीबीएसई का जो लेटर आया है जो कि आपको दिखाता है कि क्या क्या स्किल कोर्सेज सीबीएसई प्रोवाइड करता है आपके स्कूल में जो आप ले सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे स्किल कोर्सेज का लिस्ट है, जैसे कि आप इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। हर स्किल कोर्स के साइड में आप यहाँ देख सकते हैं एक जॉब रोल डिफाइन किया गया है। ये जॉब रोल कैसा है, जैसे कि ये आपको बताता है आप ये स्किल पढ़ेंगे तो ये जॉब करने के लिए आप योग्य बन जाएंगे आगे जाकर। जैसे कि यहाँ है रिटेल, रिटेल नाम का एक कोर्स है जिसको कि पढ़ के आप स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट बन सकते हैं आगे जाके। आईटी अगर पढ़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज्यादा स्कूलों में आईटी लिया गया है, मेरे स्कूल में भी है और ज्यादातर भुवनेश्वर के यहाँ के स्कूलों में लिया गया है, जिसको पढ़ के आप डोमेस्टिक आईटी एग्जीक्यूटिव या ऑपरेटर बन सकते हैं। तीसरा आप मान लीजिए सिक्योरिटी आपने कोर्स लिया है तो आप अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं आगे जाके। ऑटोमेटिक कोर्स लिया तो ऑटोमेटिक स्टोर और टेक्नीशियन बन सकते हैं। मान लीजिए नीचे और एक है आपका ये क्या ब्यूटी एंड वेलनेस, इसको सीख लिया आपने तो आप एक ब्यूटी थेरेपिस्ट बन सकते हैं आगे जाके। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है, 18 कोर्सेस है लगभग, तो उन सबका में से आप कोई भी एक आपका स्कूल में लिया होगा तो आपको सारे स्किल कोर्सेस में आप एक पर्टिकुलर जो स्किल लिए हैं आप उस पर तो मास्टर हो ही जाते हैं और उसके हिसाब से आपको जॉब रोल मिल भी जाते हैं। मगर आपको जॉब में इन स्किल्स के अलावा कुछ अलग स्किल्स भी चाहिए जो कि आपको एक एक्स फैक्टर देता है जॉब में, आपका एक एक्स्ट्रा एड्स देता है जो कि कोई भी आपका एक जो मालिक होता है जो आपको जॉब देता है, हर एम्प्लॉयर जो है मतलब जो एम्प्लॉयर मतलब जो आपको जॉब देता है, हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के अंदर ढूंढता है कि वो एक्स फैक्टर उसके अंदर है या नहीं। ये कुछ ऐसे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जो कि आपको अपने काम को अच्छे ढंग से करने में मदद करता है ताकि आप अपने कस्टमर के साथ साथ अपने बॉस का भी दिल जीत ले। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या स्किल्स मौजूद है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर। तो पहला स्किल है आपका कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, तीसरा है आईसीटी स्किल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, चौथा नंबर है आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, पांचवा है ग्रीन स्किल। तो इन पांचों को अलग अलग करके अभी समझेंगे। पहला है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि आपका जॉब के फर्स्ट डे से आपको चाहिए। मान लीजिए आप जॉब इंटरव्यू में बैठे हैं, आपको सबसे पहला सवाल आता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो कुछ लोग ऐसे इंट्रोडक्शन देते हैं अपना, आई एम रजत किरण महापात्रो, आई एम फ्रॉम बरहमपुर, आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम पल्ला महाजा इंजीनियरिंग कॉलेज। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय नेम इज रजत किरण महापात्रो, आई एम फ्रॉम बरहमपुर, आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम पल्ला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज इन द स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। माय एक्सपर्टीज आर इन पाइथन, सी, C++, जावा, HTML एंड जावास्क्रिप्ट एंड माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। तो आप दोनों में ये अंतर देख सकते हैं कि पहले वाला जो एग्जांपल दिया उसमें वो एम्प्लॉय जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था तो उसकी सिलेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर है। अगर
जो दूसरा वाला था प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट के साथ प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, इसलिए उसकी ज्यादा चांसेस है जॉब में क्रैक करने की। तो ये कुछ रहा आपका कम्युनिकेशन स्किल का एक एग्जांपल। उसके साथ साथ आपके अंदर अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप अपने जॉब के दौरान जो आपके कॉलिग्स है उनके साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप बना के रख सकते हैं, फ्रेंडली एटमोस्फियर बना के आप काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ आपका वही स्किल जो है आपको बॉस को पसंद आता है और वो आपको ज्यादा प्रेफरेंस देता है, और आप अपने बॉस के साथ साथ अपने मैनेजर्स, अपने कॉलीग्स, अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स सबका दिल जीत लेते हैं अपनी प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल के जरिए ही। तो आपको अगर जॉब में अपनी फील्ड के ऊपर नॉलेज ज्यादा हो या ना हो, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, मगर आपके अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है तो आप जॉब में ऊंचाई छूते जाएंगे आराम से। प्रमोशन हर 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आप लेते जाएंगे और आप बहुत ही जल्दी, ठीक है, बहुत ही जल्दी एक पोजीशन से हायर पोजीशन में पहुंच जाएंगे। ये है कमाल कम्युनिकेशन स्किल्स का। अभी दूसरा देखते हैं आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। अभी बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल की। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आपको अपनी जॉब फील्ड के अंदर बहुत सारे स्ट्रेस से बचाएगा, जैसे स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं वो सिखाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, सॉफ्टवेयर आप इंजीनियर है, आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया कि ये काम को इतने दिन के अंदर खत्म करना है, और प्रोजेक्ट खत्म होने का डेडलाइन पास आ रहा है मगर आपने बहुत कुछ काम छोड़ा हुआ है अभी तक कंप्लीट करने के लिए। तो आपके मन में स्ट्रेस आ जाता है कि अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म ना हो पाया तो मेरा क्या होगा, मेरा जॉब का क्या होगा, बॉस से डांट सुनूंगा, हो सकता है मेरा प्रमोशन ना मिले, हो सकता है जॉब भी चला जाए, जॉब चला जाएगा तो बीवी बच्चों का ख्याल कैसे रखूंगा, माँ बाप को क्या बताऊंगा, दुनिया भर को क्या बताऊंगा, आस पड़ोस को क्या बताऊंगा, ऐसे तमाम चिंताएं आपके दिमाग में आ जाती है और प्रेशर में आ जाते हैं आप और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जितना अगर ये प्रेशर ना लेते तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते, अगर प्रेशर ले लेंगे तो आप कहीं का नहीं रहेंगे, आपका परफॉर्मेंस और गिर जाएगा और हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो सच में वही हो जाए। तो हमेशा पॉजिटिव रहना ये सिखाता है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो है आपको, बाकी कॉन्सिक्वेंसेस को बाहर रख के अपने जॉब पे फोकस करना सिखाता है, मतलब आप कैसे खुद को राजी करवाते हैं, ठीक है, सिचुएशन आपके सामने है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आपके सामने है, आप खुद को कैसे राजी करवा पाते हैं और खुद पे सेल्फ कंट्रोल कैसे ला पाते हैं, ये सारे चीज आपको सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में सिखाया जाएगा। तीसरा अभी बात करते हैं आपका आईसीटी स्किल। अभी बात करते हैं आईसीटी स्किल की। आईसीटी स्किल जो है नॉर्मल आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, ये जो है आपको आईटी वर्ल्ड से रूबरू करवाता है। नॉर्मल मोबाइल वेबसाइट्स ऑपरेट करना, टैबलेट्स, गैजेट्स वगैरह ऑपरेट करना आपको सिखाता है। ये जो है, मैं ये जो स्किल कोर्सेस आपको दिखा रहा हूँ इनमें मान लीजिए किसने अगर आईटी लिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए इतना चिंताजनक बात नहीं है क्योंकि वो अपने कोर्सेस में ही ये चीजों को ज्यादातर सीखता है, मगर दूसरे कोर्स वाले जो है, जो बाकी इसके अलावा जो 17 कोर्सेस है, उन लोगों को ज्यादा गौर करनी चाहिए क्योंकि आजकल दुनिया जो है इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। तो क्या करें, तो मैं आईटी के अलावा अभी किसी और कोर्स को लेता हूं और उसका एग्जाम्पल देता हूं कि वो आईटी सीखेगा तो वो अपने कोर्स में कैसे फायदा ले पाएगा इसका। तो मान लीजिए मैं इनमें से एक लेता हूं रैंडमली, ब्यूटी एंड वेलनेस। अगर किसी ने ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स किया है उसको आईटी कैसे मदद करेगा, मान लीजिए उसके बाद ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स सीखा और वो एक असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट बना, जैसे यहां लिखा हुआ है, वो जो ब्यूटी थेरेपिस्ट है वो अगर मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स वगैरह ऑपरेट करना अच्छे से जानती है तो वो आराम से नेट पे बैठ के अलग अलग टेक्निक्स देश विदेश में जो यूज हो रहा है आजकल ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए वो सीख सकती है। और सेकंड है, वो अपने काम को जो है सोशल मीडिया में प्रमोट करवा सकती है, वो कितना अच्छा काम कर रही है, वो अपनी तस्वीरें वगैरह लेके, अपना काम का तस्वीरें वगैरह लेके अपना फेसबुक में, इंस्टा में, व्हाट्सएप में शेयर करके लोगों तक पहुंचा सकती है, अपनी लोकेलिटी में फेमस हो सकती है मान लीजिए। नहीं तो और अगर और एक स्टेप आगे चले तो वो अपना जो एक काम का वीडियो बना के अलग अलग एंगल से थोड़ा शूटिंग करवा के एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल बना सकती है और उसमें ज्यादा अपने लोकेलिटी के अलावा भी
बाहर के लोगों को भी बता सकती है अपने कामों के बारे में और पॉपुलैरिटी गेन कर सकती है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। उसके साथ साथ अगर उसको और थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है तो अपना ब्लॉग या वेबसाइट एक डेवलप कर सकती है वो, और अपने काम को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। ये सब उसको हेल्प हो सकता है अगर उसके अंदर आईटी के स्किल्स है। तो अभी तीसरा हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के ऊपर। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ऐसे कुछ स्किल्स है जो कि बच्चों को हम स्कूल लेवल में ही देते हैं ताकि वो बड़े होके कैसे अपना एक यूनिक आइडिया यूज करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर पाए और उसको बड़ा करके बड़े बड़े एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर पाए, जिससे कि वो काफी लोगों को रोजगार दे पाए और हमारा देश तरक्की कर पाए। जितने भी डेवलप कंट्रीज देखिए आप दुनिया में, यूएस हो गया, चाइना हो गया, वो इतने आगे क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि उनके देश में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है, ना कि वो खाली सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं। आप देखिए, एक एंटरप्राइज अगर खड़ा होता है किसी भी इलाके में और वो अच्छा ग्रो करता है तो वो 1000 से लेके लाखों लोगों तक रोजगार दे पाता है, जिससे कि देश के अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है काफी हद तक दूर हो जाती है। अगर मान लीजिए ऐसे ही कंपनीज देश भर में अगर फैल जाए, ऐसे ही कंपनीज हजारों की संख्या में देश के अलग अलग कोने में अगर ग्रो कर जाए तो हमारे देश में कितने लोगों को वो रोजगार दे सकता है, जरा सोचिए इसके ऊपर। अगर मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट निकलने वाले बहुत सारे कंपनीज आ गए हमारे देश में तो उनके बीच में प्राइसिंग के लिए वॉर होगा और वो हर कोई चाहेगा अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वो प्राइस को भी घटाएंगे, जिससे कि प्राइस जो है बैलेंस में रहेगा और महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ेगा हमारे देश में। तो ये एक जो है स्किल काफी सारे प्रॉब्लम का अकेला सोल्यूशन है। तो आगे बढ़ते हैं अभी ग्रीन स्किल के ऊपर। अभी सबसे आखिर में बात करते हैं ग्रीन स्किल की। हमारा पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ है, हम माने या ना माने, उसका प्रभाव हमारी जिंदगी में पड़ता है और हम जो अपने डे टू डे लाइफ में अपनी एक्टिविटीज में जो भी काम करते हैं उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरमेंट में पड़ता है। तो रैपिड डेवलपमेंट के नाम पर हम जो भी कुछ काम करके आजकल हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसका खामियाजा भी हमें खुद ही उठाना पड़ेगा। ये सब हम जानते हुए भी हम वो सब काम करते रहते हैं बिना कोई झिझक के, बिना कोई टेंशन के। मगर ये ग्रीन स्किल जो है हमें यही चीज हमें सिखाने वाला है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं। हमें डेवलपमेंट भी करना है और पर्यावरण का भी ख्याल रखना है। ये सब चीजों का नॉलेज हमें ग्रीन स्किल से मिलने वाला है और इसके साथ साथ हम ये जो थ्री इंपॉर्टेंट आर्स है, द थ्री आर्स, वो है जो कि रेड्यूस, रियूज और रिसाइकल, इन तीनों चीजों के ऊपर भी बहुत ही एलाबोरेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर। आशा करता हूं आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। और आगे के वीडियोस में मैं सारे स्किल्स को एलाबोरेट करके अलग अलग वीडियोस में मैं कम्युनिकेशन स्किल का भी बनाऊंगा, आगे उसके बाद आईसीटी स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, ग्रीन स्किल के ऊपर अलग अलग वीडियोस में बात करने वाला हूं आगे की वीडियोस में। अगर आपको अभी तक ये जो हमारा आईटी का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी और सब्जेक्ट स्किल का भी सॉफ्ट कॉपी नहीं मिला तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, उसमें क्लास 9 के लिए 9 के ऑप्शन में जाएंगे और 10th के लिए 10th के ऑप्शन में जाइए और वहां बुक्स का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां आप ये जो सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो सर्कुलर आया है सीबीएसई की तरफ से वो सब भी मैंने वहां पे डाला हुआ है आपकी सुविधा के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही और बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।